झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगे और 30 अगस्त को औपचारिक रूप से भाजपा का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शर्मा ने कहा कि चंपाई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अपनी कस्टडी में रखा है। शर्मा भाजपा की ओर से झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भी है। सोरेन ने 25 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली में जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो वे झारखंड पहुंचने के बाद इसी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद संभाला था और लगभग 5 महीने तक इस पद पर बने रहे। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद चंपाई ने 3 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में 18 अगस्त को चंपाई ने एक पत्र के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इस्तीफे की प्रक्रिया को आत्मसम्मान पर चोट बताया था। चंपाई सोरेन की भाजपा में शामिल होने की इस महत्वपूर्ण घटना के बाद झारखंड की राजनीति में एक नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है।